नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ऑन न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। विश्व डाक दिवस के अवसर पर डाक विभाग की भागीदारी एवं क्रियाकलापों पर हुई चर्चा। विश्व डाक दिवस के अवसर पर डाक विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने डालमिया नगर उप डाक घर के प्रांगण में रविवार को डाक विभाग की भागीदारी एवं क्रियाकलाप के कार्यक्रम के तहत चर्चा करते हुए डाक विभाग के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार सर्किल पटना के किशन कुमार शर्मा ने डाक विभाग के कर्मचारी एवं पदाधिकारियों को गूगल मीट से संबोधित करते हुए डाक विभाग के भागीदारी एवं क्रियाकलाप पर विचार व्यक्त करते हुए डाक विभाग के द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि डाक विभाग हर विभाग से आगे है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर अपनी सेवा उपलब्ध कराते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जो पब्लिक के हित में हैं, जिसका लाभ उठाया जा सकता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य विश्व भर में लोगों के दैनिक जीवन, व्यापार और सामाजिक तथा आर्थिक विकास में विभाग की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। एक डाक प्रणाली की अवधारणा को साकार करने के लिए 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना वर्ल्ड स्विट्जरलैंड में की गई, जिससे विश्व भर में एक समान डाक व्यवस्था लागू हो सके। भारत प्रथम एशियाई देश था जो कि 1 जुलाई 1900 डाक सेवा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों एवं शहर से प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों में होते हुए विदेश को जोड़ने वाली सबसे पुरानी और भरोसेमंद सर्विस है, जिसमें चिट्ठी पत्री से अपने संदेश एक दूसरे को पहुंचाते हैं। इसको मानने का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को डाक विभाग के बारे में जानकारी देना, उन्हें जागरूक करना और डाकघरों के बीच सामंजस्य स्थापित करना होता है। मौके पर पोस्ट मास्टर शशि प्रभा, चंद्रसेन, ज्योति सिंह, अभय कुमार सिंह, ललन प्रसाद, धनंजय कुमार सिंह, अनुराग जीत, अमित कुमार, अखिलेश कुमार, अंजलि देवी के अलावे पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन, एमटीएस सहित शाखा डाकपाल के पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।